विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र यानी स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों जैसा कि हमने टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में जाना, तो हम ये जानते हैं कि टेरिडोफाइटा प्रथम ऐसे पादप हैं जिनमें संवहन तंत्र का विकास हुआ। संवहन तंत्र क्या होता है? संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर कहते हैं। जाइलम जो खनिज और जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ होता है उसका संवहन करता है। तो इससे पहले जो ब्रायोफाइटा पादप होते हैं उनमें संवहन तंत्र का विकास नहीं होता है। यानी पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा ऐसे प्रथम पादप हैं जिनमें संवहन तंत्र स्टेलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम पाए गए। तो आइए जानें संवहन तंत्र टेरिडोफाइटा में। स्टील ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है स्तंभ। वॉन टीगहम व डॉलियट के अनुसार स्टील स्तंभ या मूल का वो है केंद्रीय भाग है जो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होता है। संवहन ऊतक में जैसा कि मैंने बताया जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। इन दोनों के बाहर की तरफ परिरंभ या पेरिसाइकल होता है। तो परिरंभ के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे वही क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक और संवहन तंत्र कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम युक्त स्टील यानी संवहन तंत्र में रंभ में मृदुतकीय अथवा दृढ़ोतकीय मज्जा उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो सकती है। मज्जा क्या एक दृढ़ोतक या मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित ऊतक होता है जो संवहन तंत्र में पाया भी जा सकता है या नहीं भी पाया जा सकता है। स्तंभ की तरह ही पत्ती में भी रंभ पाया जाता है। रंभ यहाँ पे जो स्टील शब्द है वह जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से बोला जाता है। जैसे एक पिलर होता है उसी प्रकार से जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक पिलर नुमा संरचना बनाते हैं, वह ही रंभ कहलाती है। तो पत्ती में जो रंभ पाया जाता है वह स्तंभ की स्टील से संवहनी स्ट्रैंड द्वारा जुड़ा रहता है जिन्हें पर्ण लीफ कहते हैं। यानी पत्ती शाखा या तने से जुड़ी रहती है। तो पत्ती के जो संवहन स्तंभ होते हैं, जो संवहन ऊतक होते हैं, जो रंभ होता है वह शाखा या तने से स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे पर्ण चिन्ह यानी लीफ ट्रेस कहते हैं। आदपादपों में पर्ण चिन्ह अनुपस्थित रहता है जबकि इसकी उपस्थिति पादप की विकसित प्रकृति को दर्शाती है। तो पत्ती का जो संवहन तंत्र है वो शाखा या तने के संवहन तंत्र से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? संवहनी स्टैंड या जिसको पर्णचिन्ह लीफ ट्रेस कहते हैं। अब जो टेरिडोफाइटा की हम रंभ की बात करें या स्टेलर सिस्टम की बात करें तो वो छह प्रकार का होता है। मेन जो होते हैं मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं विद्यार्थियों, प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील। बाद वाले जो चार हैं ये साइफोनोस्टील से ही परिवर्तित होते हैं, विकसित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोस्टील की। तो इस प्रकार के रंभ में जाइलम केंद्र में रहता है तथा चारों तरफ फ्लोएम से घिरा रहता है। जब जाइलम केंद्रीय भाग में पाया जाए और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रोटोस्टील। जाइलम इसमें ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है। प्रोटोस्टील में केंद्रीय मज्जा अनुपस्थित होती है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें मज्जा नहीं पाई जाती है। जेफरी के अनुसार यह सबसे साधारण और सरल प्रकार की स्टील होती है जो टेरिडोफाइटा के तरुण बीजाणुद्भिद अवस्था में भी उपस्थित रहती है। इसके उदाहरण क्या हैं? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, लाइवोपोडियम, इनकी प्रौढ़ अवस्था में ये पाई जाती है। और ये दो प्रकार की हो सकती है विद्यार्थियों, हैप्लोस्टेलिक प्रोटोस्टील और एक्टिनोस्टेलिक प्रोटोस्टील। हैप्लोस्टेलिक जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसमें जाइलम एक केंद्रीय ठोस भाग अथवा रिंग बनाता है यानी ठोस रहता है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा भाग क्या है? ठोस है, ठीक है, ये जाइलम है। और उसके चारों तरफ सहकेंद्रित फ्लोएम पाया जाता है, ये इसके चारों तरफ ये फ्लोएम।
ठीक है, तो ऐसा क्या कहलाएगा? हेप्लोस्टेलिक प्रोटोस्टील। ये लाइगोडियम और स्लेजिलेना स्लेजिनेला क्रोशियाना में पाया जाता है। दूसरा है एक्टिनोस्टेलिक प्रोटोस्टील, इसमें जाइलम अरीय भुजाओं के रूप में रहता है तथा फ्लोएम सेकेंद्रित नहीं होता। जाइलम की दो भुजाओं के बीच में फ्लोएम पृथक समूहों में जाइलम के साथ एकांतरित रूप से उपस्थित रहता है, जैसे लाइकोपोडियम, सीरेटम, साइलोटम। ये देखिए आप यहाँ पर, ये तो जाइलम है पूरा का पूरा, इस प्रकार से ये भी ये ताराकार आकृति बना रहा है, और इसके बीच बीच में ये जो है ये क्या है, फ्लोएम है। तो ये क्या कहलाता है? एक्टिनोस्टेलिक प्रोटोस्टील, जिसमें जाइलम एक ताराकार स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उसके एकांतरित रूप से ये जो है क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। एक्टिनोस्टीलिक जो प्रोटोजाइलम समूह विभिन्न आकार में टूटकर अलग होने से निम्न प्रकार का हो सकता है। अब एक्टिनोस्टीलिक में क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है विद्यार्थियों, वो एक समान नहीं पाया जाता, एकांतरित रूप से पाया जाता है। इसमें क्या, जाइलम टूट जाता है इस प्रकार से, तो अलग प्रकार की आकृतियाँ निर्मित हो सकती हैं। वो क्या आकृतियाँ निर्मित हो सकती हैं, और उसके आधार पर भी दो प्रकार के ये बन सकते हैं, जैसे प्लेक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील का ठोस केंद्रीय जाइलम भुजाओं सहित अनेक प्लेट्स अथवा बैंड रूपी पालियों में बटकर प्लेक्टोस्टील बनाता है, जो किसमें पाया जाएगा, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वोल्यूविल के स्तंभ में। जैसे ये प्लेक्टोस्टेलिक एक्टिनोस्टील है, जैसे इसमें जाइलम ये प्लेट बना ली ये इस प्रकार से, और इसके फिर ये फ्लोएम पाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील। और मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जाइलम समूह तथा फ्लोएम एक दूसरे के साथ समान रूप से पूरे स्टील में बिखरे रहते हैं, इसमें मज्जा अनुपस्थित रहती है तथा जाइलम के बिखरे हुए समूह फ्लोएम के भरण ऊतकों में धंसे रहते हैं। लाइकोपोडियम सरनुअम के स्तंभ की स्टील मज्जा रहित मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहलाती है। तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ये देखो इसमें जाइलम फ्लोएम के पैचेस, कहीं जाइलम कहीं फ्लोएम, ये इसमें उपस्थित रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहेंगे। तो ये तो थे प्रोटोस्टील, सबसे सरल प्रकार का जो स्टील होता है। दूसरा है साइफोनोस्टील, ये प्रोटोस्टील से विकसित होता है, जिसमें केंद्रीय जाइलम ठोस कोर अथवा रिंग न होकर खोखली रिंग बनाता है। साइफोन का मतलब होता है नलिका, तो जब जाइलम नलिकाकार रूप में रहे, प्रोटोस्टील में तो जाइलम ठोस होगा, लेकिन साइफोनोस्टील में जाइलम एक खोखली रिंग बनाता है इस प्रकार से। इसमें तो पूरा ये भरा हुआ था, लेकिन इसमें खोखली रिंग बनाता है। इसमें मृदुतकीय जो मज्जा होती है वो केंद्र भाग में उपस्थित होती है। पत्ती में शाखा अंतराल यानी ब्रांच गैप जो होंगे, उसके आधार पर जेफ्री ने इसको दो भागों में बांटा, क्लैडोसाइफोनिक, यह सूक्ष्म पर्णिल पादपों जैसे लाइकोप्सिडा में पाए जाते हैं, इनमें पर्ण अंतराल अनुपस्थित होते हैं। तो क्लैडोसाइफोनिक में तो पर्ण अंतराल अनुपस्थित होंगे, और फिल्लोसाइफोनिक में पर्ण अंतराल पाए जाएंगे। साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील से ही विकसित होती है, इसके बारे में दो मत प्रचलित हैं, यानी प्रोटोस्टील में जो जाइलम ठोस होता है, जाइलम खोखली रिंग नहीं होती है, साइफोनोस्टील में जाइलम खोखली रिंग के रूप में होता है। तो उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में दो मत प्रचलित हैं, इंटरस्टीलर मज्जा का उद्गम। इसके अनुसार प्रोटोस्टील के जाइलम ऊतक का कुछ केंद्रीय भाग मृदुतकी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने से केंद्र में मज्जा उत्पन्न होती है, जिससे प्रोटोस्टील की ठोस जाइलम रिंग खोखली रिंग में बदल जाती है। जैसे ये प्रोटोस्टील था, अब इसका कुछ केंद्रीय भाग किसमें, मृदुतकी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, तो अब ये क्या है, ये रिंग बन गई। एक तो मत ये है, दूसरा एक्स्ट्रा स्टीलर मज्जा का उद्गम। इसके अनुसार साइफोनोस्टील में उपस्थित मृदुतकी कोशिकाओं का उद्गम वल्कुट से होता है। प्रोटोस्टील के बाहर स्थित वल्कुट की मृदुतकीय कोशिकाएं स्टील के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तथा मज्जायुक्त जाइलम बनाती हैं। इसके अनुसार क्या है कि जाइलम जो है
वो प्रोटोस्टील के बाहर की स्थित है, जो मृदुत्व ये कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर प्रवेश करने से होता है। जैसे ये प्रोटोस्टील में ठोस जाइलम था, अब बाहर से कुछ कोशिकाएं इसमें प्रवेश कर जाएं और यहाँ मृदुत्वकीय बन जाएं तो ये भी रिंग खोखली हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रोटोस्टील से ही साइफनोस्टील का निर्माण हुआ है। इसके बारे में दो मत हैं कि एक तो अंदर की तरफ मृदुत्वकीय कोशिकाओं का निर्माण हो जाए या एक मृदुत्वकीय कोशिकाएं बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। अब ये भी साइफनोस्टील तीन प्रकार का होता है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक और यूस्टीलिक। एक्टोफ्लोइक में इस स्टील में केंद्रीय मज्जा के बाहर जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित रहता है। इस प्रकार जाइलम की खोखली रिंग फ्लोएम द्वारा घिरी रहती है। एक्टोफ्लोइक में तो क्या होगा कि ये पित होगा यानी मज्जा होगा, इसके बाहर जाइलम होगा और फिर फ्लोएम होगा, यानी जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम जब पाया जाएगा तो उसको एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कहेंगे। लेकिन जब जाइलम के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाए तो इसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहेंगे। इसमें तो अंदर की तरफ मज्जा, फिर जाइलम और फिर फ्लोएम, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ मज्जा के बाहर की तरफ यानी जाइलम के इधर भी फ्लोएम और इधर भी फ्लोएम है तो इसको क्या कहेंगे, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहेंगे। यूस्टीलिक, इसमें साइफोनोस्टील की जाइलम की खोखली रिंग टूटकर अनेक समपार्श्विक मंडल बनाती है जो एक रिंग में उपस्थित होते हैं जो इक्विसिटम में पाई जाती है। तीसरे प्रकार का है सोलेनोस्टील, यह साइफोनोस्टील से ही रूपांतरित होकर बनती है जो जगह जगह पर पर्ण अंतराल द्वारा छिद्रित रहती है। पर्ण अंतराल या लीफ गैप या लीफ ट्रेस क्या होते हैं, जब पत्ती का संवहन पुल शाखा या तने के साथ जुड़ता है तो वहाँ एक स्थान, खाली स्थान रह जाता है विद्यार्थियों, उसे ही क्या कहते हैं, लीफ गैप या लीफ ट्रेस कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या पत्ती जुड़ी हुई होगी, ठीक है, तो ये खाली स्थान रहेगा, इसी को क्या कहेंगे, लीफ गैप या लीफ ट्रेस कहेंगे। तो जब साइफनोस्टील में एक लीफ गैप पाया जाए तो उसको कहेंगे सोलेनोस्टील, ठीक है, टेरोप्सिडा में पाया जाएगा। और जब साइफेनोस्टील में एक से अधिक अनेक लीफ गैप पाए जाएं तो उसको डिक्टियोस्टील कहेंगे, जिसमें क्या होता है प्रत्येक जो स्टील है उसको मेरिस्टील कहेंगे। ये आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हो, ये जो वी वाला है ये कौन सा है, डिक्टियोस्टील है। इसके बाद पांचवा है पॉलीसाइक्लिक स्टील, इसमें अलग अलग एक से अधिक स्टील एक नियमित रिंग में स्थित होती हैं, जैसे टेरिडियम, इक्विलिनियम में तीन, मेटोनिया, पैक्टिनेटा में, इनमें एक अनेक रिंग व्यवस्थित हो सकती हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हो एक रिंग है फिर दूसरी रिंग है, तो ये कौन सा होगा, पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाता है। और अंतिम है विद्यार्थियों पॉली स्टील, यह स्लेजिनेला के स्तंभ में पाया जाता है। इसमें एक ही स्तंभ में एक से अधिक स्टील अथवा रंभ पाए जाते हैं जिनकी संख्या 3 से 16 तक होती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक रंभ अपने निजी अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। पॉलीसाइक्लिक में तो अपनी निजी अंतस्त्वचा नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर निजी अंतस्त्वचा पाई जाएगी। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।